नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंगलवार को संभल में हुई जनसभा के बाद समाजवादी पार्टी के नेता भावेश यादव की अगुवाई में गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण के मामले में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको सिर्फ इस रिपोर्ट में। सीएम योगी आदित्यनाथ की मंगलवार को संभल में हुई जनसभा के बाद सपा नेता भावेश यादव की अगुवाई में गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण के मामले में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इसी के साथ ही पुलिस ने भावेश यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भावेश यादव ने कहा कि सीएम योगी के दौरे से कैला देवी की धरती अशुद्ध हो गई थी, इसलिए गंगा जल की छिड़काव कर उसे शुद्ध कर दिया। सीएम की जनसभा खत्म होने के बाद समाजवादी युव जनसभा के प्रदेश सचिव भावेश यादव ने अपने समर्थकों को साथ कैला देवी पहुंचे और गंगा जल छिड़क कर कैला देवी की धरती पवित्र करने का दावा किया। सपा नेता ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आने से कैला देव का इलाका अशुद्ध हो गया है, गंगा जल छिड़क कर उन्होंने इसे पवित्र कर दिया है। उन्होंने सीएम पर देव देवताओं और जाति का आधार पर लोगों से भेदभाव करने के गंभीर आरोप लगाया। भेजोई थाने में एक व्यक्ति ने दी गई एफआईआर पर आईपीसी की धारा 153A, 253A और 505 के तहत भावेश यादव और 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि सीएम की जनसभा के बाद गंगा जल से शुद्ध करने से मुख्यमंत्री के प्रशंसकों में काफी गुस्सा है, इससे शांति भंग होने की आशंका है। 21 सितंबर को सीएम संभल पहुंचे थे और उन्होंने यहां एक जनसभा को संबोधित किया था। सीएम योगी ने संभल जनपद के कैला देवी धाम पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि संभल के समाजवादी पार्टी सांसद को निशाने पर लेते हुए कहा कि संभल में भी तालिबान का समर्थन करने वाले कुछ लोग पैदा हो गए हैं, ऐसे लोगों पर कानून के दायरे में सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि याद करना, समाजवादी पार्टी का वो चेहरा है जो महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, हिंदू विरोधी है और बच्चा विरोधी है। तालिबान जिस प्रकार की बर्बरता ढह रहा है वो अफगानिस्तान में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन किस बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा तालिबान का समर्थन किया जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम योगी की जनसभा के बाद गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करने के मामले में सपा नेता भावेश यादव को गिरफ्तार किया गया है। मामले में 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भावेश ने सीएम पर देवी देवताओं और जातिगत आधार पर लोगों से भेदभाव करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।